अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। तो गाइस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सबसे पहले करते हैं नाश्ता और फिर नाश्ते के बाद जो है मुझे अपने यूनिवर्सिटी वगैरह के काम से जाना है, तो वहाँ से फिर मुझे बहुत देर हो जाएगी। तो पहले वो काम करने के आ जाते हैं, पहले नाश्ता करते हैं, फिर नाश्ता करने के बाद आके हम आपसे शेयर करेंगे। ओके गाइस आ जाइए। इस यहाँ पे कर रहा हूँ मैं नाश्ता और नाश्ते के अंदर कुछ बिस्किट्स वगैरह हैं और चाय वगैरह है, तो चलें पहले नाश्ता कर लेते हैं। और दरअसल मसला ये है कि मुझे अपने एडमिशन्स के काम से जाना है, क्योंकि मसला ये है कि एडमिशन के फॉर्म जो है मतलब ऑनलाइन हो रहे हैं ना, तो अब आ नहीं पा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए जो है मैं वापस अगेन जाऊँगा आज अपनी यूनिवर्सिटी के काम के लिए, तो फिर जब वहाँ से मेरा पेपर वगैरह का होगा तो फिर मैं आके आप लोगों को रूटीन शेयर करूंगा। तो गाइस बस अब तकरीबन जो है मैंने नाश्ता कर चुका हूं और ये देखिए बिस्किट्स वगैरह हैं। और ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस मैंने कर लिया है नाश्ता और अब मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी अपने काम से, क्योंकि मुझे मैंने मामा को यही कहा था कि मुझे ना आते हुए बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, हो सका तो हम लोग वहीं पे लंच वगैरह भी कर लेंगे। तो जो है अभी मैंने नाश्ता वगैरह तो कर लिया है, तो चले आ जाए पहले यूनिवर्सिटी जाते हैं, काम करते हैं, अपना चलान वगैरह का मालूम करवाना है मुझे और फिल वक्त कराना है, फिर उसके बाद आके हम आपसे शेयर करेंगे। ओके गाइस अस्सलाम वालेकुम। 6 आवर्स लेटर, तो गाइस मैं आ चुका हूँ यूनिवर्सिटी से और सारे अपने फॉर्म वगैरह चलान वगैरह लेकर आ चुका हूँ मैं। अब जो है जी मम्मा, नहीं हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर ही बिरयानी खा ली थी। जी जी, तो जो है अब मैं चलेगी कहीं फिर आप, तो अभी मैं जा रहा हूँ मम्मा के साथ जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, तो चले आ जाएँ। क्योंकि आपको पता है अभी सर्दियाँ तरीके से नहीं आई हैं लेकिन आने वाली हैं, तो मम्मा ने कहा कि चलो ड्राई फ्रूट लेने चलते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट लेकर आ जाते हैं। तो मम्मा कुछ हलवा वगैरह बनाएंगी, तो चले आ जाइए। चले जी जी मम्मा, चले चले आ जाए। तो गाइस आ जाए, आपको आगे का ब्लॉग भी दिखाते हैं। शाबाश बेटा। यहाँ पर जो है हम लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने आते हैं और ये काफ़ी मतलब काफ़ी सालों से इनसे ही लेते हैं और इनका ड्राई फ्रूट भी वगैरह बहुत अच्छा होता है। पहले तो मम्मा जो है पंसारी वगैरह ये सारा सामान लेना शुरू हो गई थी, लौंग वगैरह ये सारी चीज़ें, फिर देन उसके बाद मम्मा ने जो है ड्राई फ्रूट लेना स्टार्ट कर दिया था, तो ड्राई फ्रूट वगैरह ले रही थी मम्मा। तो अब सर्दी में अक्सर मतलब ये होता है कि मतलब जो है ना ड्राई फ्रूट वगैरह अच्छे लगते हैं, काजू बादाम वगैरह ये सारी चीज़ें, और इनके पास जो है हर तरह का ड्राई फ्रूट होता है, बहुत मज़े बहुत मज़े होता है उसमें ड्राई फ्रूट ना, और मतलब अच्छा होता है, फ्रेश होता है ताज़ा, और हर सर्दी जो है मेहरबान पेशावर वगैरह से हर तरह की जो है मतलब किशमिश वगैरह काजू वगैरह तले काजू वगैरह ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती है। तो वो जो है बस अब उसके बाद जो है हम लोग सामान वगैरह लेंगे और फिर उसके बाद जो है घर जाएंगे। बादाम वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, सब चीज़ें बात। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर और सारा सामान वगैरह ले लिया है, और जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, सबके रेट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, इसको भी अभी गिनना था, तो सबके रेट जो थे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे कर दिए इन लोगों ने। अभी सर्दियाँ आई नहीं लेकिन फिर भी, तो जो है मम्मा पता नहीं क्या कह रही है कि जल्दी से तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ, तो जो है कहीं चलना है शायद, तो आई डोंट नो मम्मा शायद सरप्राइज़ देना चाह रही है, तो चले मैं जो है रेडी होने के लिए जा रहा हूँ। चलो भाई देखो अपने क्या करना। भाईजान और मम्मा जो है मेरे लिए केक वगैरह लेने के लिए गए थे मुझे सरप्राइज़ देने के लिए, तो मम्मा ने कहा था कि आप लोग बाहर वगैरह जाइएगा तो हम लोग बाहर चलेंगे खाना खाने के लिए, तो मैंने कहा देखिए हर फ्राइडे वगैरह जाते हैं और हर मतलब सैटरडे जाते हैं, मतलब जाते हैं हम लोग बाहर खाना खाने के लिए, तो जो है ना मैंने कहा शायद जा रहे होंगे आज भी बाहर खाना खाने के लिए, तो मुझे पता नहीं था ये सरप्राइज़ देंगे। तो ये भाईजान ने वीडियो बनाई थी, फिर देन जो है मम्मा यहाँ पर ऑर्डर वगैरह दे रही थी केक का, और फिर देन इसके बाद जो है मम्मा ने केक्स वगैरह जो है लिए यहाँ से, और मुझे मतलब पता ही नहीं था, और मुझे मतलब बोला था कि आप जो है ना होटल वगैरह पहुँचे और हम लोग आ रहे हैं रास्ते में, तो मैंने यही कहा कि मामा को इतनी देर क्यों हो गई, तो मामा जो है वहाँ पर भाईजान के साथ जो है मेरे लिए केक लेकर आ रही थी, गिफ्ट्स वगैरह ले लिए थे मामा ने। तो गाइस आपको कौन कौन से केक्स पसंद है, कौन सा केक का फ्लेवर पसंद है, चॉकलेट चॉकलेट फज या फिर मतलब कौन सा आपको जो है केक पसंद है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर।
की बात जो है, मामा यहाँ पे बिल वगैरह बनवा रही थी और मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था कि मामा जो है मामा भाईजान वगैरह ही सब लोग सरप्राइज़ देंगे मुझे। मम्मा ने जो है मेरी बर्थडे पार्टी जो है शनिवारी होटल में रखी थी, सुपर शनिवारी। और यहाँ का खाना, मतलब मैंने आपको वैसे ही पहले बताया कि बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, इनके बारबेक्यू सिस्टम वगैरह और सारी चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं। और यहाँ पर जो है हर मतलब डिशेज़ होती हैं सारी मज़े की होती हैं। तो यहाँ पर जो है मम्मा आ गई थी और ये देखिए मम्मा की मैंने वीडियो वगैरह बनाई, ये वीडियो मैंने खुद बनाई थी मम्मा की, और फिर मैंने मम्मा को थैंक यू सो मच कहा। और देखिए यही होती है फैमिली में, फैमिलीज़ के अंदर बैठ के मज़ा भी आता है। अल्लाह पाक सबको ऐसी खुशियाँ नसीब करे, और अल्लाह पाक मेरी मदर को भी लंबी दराज उम्र अता फरमाए, मेरे बहन भाइयों को, मेरे भांजा भांजी को लंबी दराज उम्र अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो दैन उसके बाद जो है फिर मैंने अपनी वीडियो वगैरह बनाई, फिर उसके बाद कटिंग वगैरह हो रही थी केक की। तो गाइज़ उसके बाद जो है फिर डिनर वगैरह हो गया था, फिर खाना वगैरह का इंतज़ाम करा था, और मतलब बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी मम्मा ने, कढ़ाई वगैरह थी, मलाई बूटी वगैरह थी, टिक्के थे और मगदी वगैरह थी, कश्मीरी पुलाव था, और मतलब मज़े मज़े की चीज़ें मंगवाई थी मम्मा ने। तो बस अब जो है हम लोग खाना वगैरह खा रहे हैं यहाँ पर, और मामा जो है सबको सर्व कर रही हैं, दे रही हैं मम्मा। उसके बाद मैंने मामा और अपनी वीडियो वगैरह बनाई, तो हम लोग कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको खाते हुए नज़र आ रहा हूँगा खाते भी नज़र आ रहा होगा, हर चीज़ खा रहा होगा मैं। तो मुझे जो है कश्मीरी पुलाव भी बहुत मज़े का लगता है यहाँ का, और ये देख सकते हैं आप लोग, और जो है ना आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हर चीज़ इनकी यहाँ की बहुत ज़्यादा मज़े की होती है सुपर शनिवारी की। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये देखिए मामा और मेरी वीडियो वगैरह मैंने बनाई थोड़ी सी, और जो है मेरी मामा को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, और मेरे मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक वगैरह करते हैं। ये देख रहे हैं फिर खाता हुआ नज़र आ गया मैं आपको, फिर दोबारा खाते हुए मेरी वीडियो बना ली। तो ये देख सकते हैं बस अब जो है मतलब खाना वगैरह खा रहे थे, मैंने कहा अब खाना वाना खाते हुए वीडियो बनाए जा रहे हो। तो जो है ना मतलब बहुत मज़े की होती है इनकी सारी चीज़ें ना। और ये देखिए मेरा छोटा भाजा माशाल्लाह से बोला है कि जो है ना मुझे ना अकेले खाने दो, मुझे सेपरेटली खाने दो, मतलब इसको गुस्सा आ रहा था आज बहुत ज़्यादा ना। तो जो है ना माशाल्लाह से दो मेरे भाजा भाजी हैं और बाकी दो पीछे बैठे हुए हैं। तो गाइस मैंने चेंज वगैरह कर लिया है और हम लोग जो है अभी बाहर से होकर आ रहे हैं, तो फिर आके जो है मैंने चेंज भी कर लिया, और मम्मा ने मुझे एकदम सरप्राइज़ दिया था जो कि मैं व्लॉग में नहीं दिखा सका। और मम्मा ने कुछ व्लॉग बनाया था, यानी कि कुछ वीडियोस वगैरह बनाई थी, वो मैं आपको जो है व्लॉग में अभी दिखाया जैसे कि। तो मम्मा ने मुझे सरप्राइज़ दिया था बाहर होटल के अंदर जो है मम्मा बाबा ने, और अच्छा हमको सिखा दिया गाइस जो है मम्मा बाबा ने जो है और सारे बहन भाइयों ने मुझे एकदम सरप्राइज़ दिया था जो कि मैं नहीं बता सका व्लॉग के अंदर, मुझे खुद को नहीं बता था। और जब मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए गया तो मम्मा ने अचानक से मुझे कहा कि आप जो है रेडी वगैरह हो जाएं और ये वो सब कुछ, और फिर उसके बाद हमें कहीं चलना है, तो फिर एकदम सब तैयार हो गए। फिर जब हम वहाँ पर गए तो मम्मा ने सेलिब्रेशन की थी वहाँ पर, और फिर वहाँ पर हमारी बर्थडे से मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। थैंक यू सो मच मम्मा भाई मजा। और सारे बहन भाई ने जो है बाहर ले जाकर मुझे एक सरप्राइज दिया था, मेरी बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट की थी। तो आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, और मैंने खा लिया है खाना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। मेरी मदर को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो गाइज हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी आप से। ओके गाइज अस्सलामु अलैकुम। With the